गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम वंस अगेन। तो दोस्तों, ये मेरी आज सेकंड डे है फ्लश का, कटिंग चली हुई है क्योंकि पूछते रहते हैं अपना कंपोज था तो सबको क्यूरियोसिटी रहती है कितनी आई। तो बढ़िया पीनिंग है, बैग्स में प्रोडक्शन बढ़िया है। मुझे उम्मीद है फर्स्ट फ्लश में 12-15%, 12 तो आनी ही चाहिए, 10-12% जो है फ्लश आनी चाहिए। तरीके से है ये, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सभी लाइंस में तो ये मैंने देख लिया, कंपोस्ट तो ठीक है लेकिन बस ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने देख लिया कि जो ग्रोइंग वगैरह है जिनको अच्छी आती है तो वो निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 20-22% अभी तक तो मेरी आई नहीं थी, पहली बार इतनी परसेंट आई है मेरी यील्ड, तो ये आप निकाल सकते हो। अगर आप ग्रोइंग का थोड़ा आपको आइडिया है, अंदाज़ा है, अच्छे ग्रोअर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बैग में प्रोडक्शन है वो ठीक है, तो ये कंपोस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया है, सर का फ़ोन नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और कंपोस्ट के लिए आपको कम से कम 20 दिन पहले बताना पड़ेगा, मेरे पास एक ही टनल है और जल्दबाजी में कर नहीं सकती क्योंकि काम ख़राब हो जाता है। तो जो डेट है उसी डेट पे मैं टनल खोल लूँगी, जिस हिसाब से मैंने अभी तक बनाया है यही सिस्टम चलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ऑर्डर हैं तो आप 15 दिन में खोल दो 16, नहीं ऐसा नहीं है। जब तक उसकी पूरी कंडीशनिंग नहीं हो जाएगी कंपोस्ट की, उस हिसाब से ही वो खुलेगा, चाहे जो भी इमरजेंसी है। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप पहले ही बुकिंग करवा लें। सीजनल के मेरे पास 2-3 ऑर्डर आए हैं, उनको मैंने बोला है कि भी पहले ही बुकिंग करवा लो ताकि फिर आप लोग जो हैं लेट ना हो। मेरे पास एक ही टनल है, पहले बता रही हूँ, ज़्यादा मेरे पास है नहीं, 2 टनल नहीं है, 2 में सिस्टम बन जाता है, थोड़ा जल्दी भी खुल जाता है, 1 में नहीं खुलता है। 1 में कम से कम 20-21 दिन लग जाते हैं अच्छा कंपोस्ट सही बनाने में, पॉस्चराइजेशन उसकी सही होने में। उसमें फिर जो फायर फैंग्स हैं आपके एक्टिनोमाइसिटीज हैं उनकी ग्रोथ भी ठीक आती है, क्योंकि बाद में जो आपकी टनल में कंडीशनिंग वाला फेज़ है उसमें कई बार जो ग्रोअर हैं या जो हैं वो टाइम बचा लेते हैं, 1-2 दिन जल्दी टनल खोल लेते हैं। उससे दिक्कत ये आती है कि उसमें उस टाइम में आपकी कंडीशनिंग होनी होती है, जो कंपोस्ट है उसको किल हो चुके हैं माइक्रोस, पॉस्चराइजेशन के बाद उसको कंडीशनिंग है। तो कंडीशनिंग के वक्त आपको ये नहीं है कि जल्दबाजी करके और आप तुरंत उसको खोल लो, तो आपको अगर 1 दिन एक्स्ट्रा लगना है तो लगना ही है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये इधर कटिंग हो चुकी है, चल रही है कटिंग इन बैग्स में, दूसरी पिनिंग जो आई हुई है, सेकंड फ्लश की पिनिंग होगी, दिख रही है जो